तो दोस्तों मैं तो रही दाल की सब्जी बनाई हूँ, सिंपल बनाई हूँ, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों तो कैसे हैं, आशा करती हूँ कि खुश होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अभी सुबह का समय है, मैं सारा घर का काम कर ली और नहा भी ली और बारिश हो रही है तो जाती हूँ। दोस्तों अब काम तो मेरा हो चुका घर का, तो नाश्ता बनाना है माँ के लिए, रोटी बनाना ही होता है। तो मैं फूल तोड़ लेती हूँ, मखना फूल, और इन लोगों के लिए, दोनों जन के लिए, माँ और नन्ही के नाना के लिए रोटी बना देती हूँ। तो मखना फूल तोड़ने जाती हूँ और साथ में आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा जो मखना है फल गया है वो, उसको दिखाती हूँ। और मैं गुलाब फूल लगाई थी दोस्तों, तो ये फूल चुका है, देख सकते हैं गुलाब का फूल निकल आया है। तो ये रहा एक मखना, और यहाँ पर तुरई भी है, तुरई भी फला हुआ है। और ये रहा मखना, ये रहा, और ये रहा, और यहाँ पर भी है, और ये रहा। सभी का नाश्ता पानी हो गया दोस्तों, और मेरा नहीं हुआ है, तो मेरे लिए भी अब बनाना ही होगा, मैं भी खाना खाऊंगी, दवा खाती हूँ इसलिए। तो आज मैं बना रही हूँ तुरई और दाल, और बहुत अच्छा लगता है तुरई दाल की सब्जी, और बिल्कुल सिंपल तरीका से बनाऊंगी दोस्तों, मसाला वसाला कुछ भी नहीं डालना है। तो मैं शुरू कर लेती हूँ, तो सबसे पहले मैं चूल्हा जला लेती हूँ। तो ये रहा तो रही दोस्तों, और ये रहा दाल और टमाटर, तो सभी को मिला के सब्जी बनाना है, और बिल्कुल भी सिंपल तरीका से बनाना है। और ये सब मेरा धुला हुआ है, तो मैं तुरई को छील लेती हूँ। तो तुरई को मैं छील ली हूँ दोस्तों, और आग मेरा सुलग चुका है, तो जाती हूँ कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ और दाल को भी डाल देती हूँ। तो चूल्हा मेरा सुलग चुका है, तो कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ और कढ़ाई में डाल देती हूँ पानी और दाल को डाल देती हूँ, और स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ दोस्तों। दाल मेरा गलेगा जल्दी से, और ढक्कन ढक देती हूँ और दाल को पकने देती हूँ। तो तुरई को इस तरह से काट रही हूँ दोस्तों। तो दाल दोस्तों अधपका हो चुका है, तो तुरई को डाल देती हूँ। तो ये रहा कटा हुआ टमाटर, तो डाल देती हूँ तुरई दाल के साथ में, और हल्दी भी डाल देती हूँ और मिर्ची भी डाल देती हूँ, और सभी को अच्छी तरह से
मिला लेती हूँ और मसाला नहीं डाली हूँ दोस्तों, और ढक्कन को ढक देती हूँ और तोरई को भी पकने देती हूँ। तो तोरई दाल की ये सब्जी छौंक लगाने लायक हो गया है दोस्तों, तो छौंक लगा लेती हूँ मैं। तो ये ढक्कन में पहले रख लेती हूँ, फिर लहसुन फोरन से छौंक लगाना है। तो तेल डाल देती हूँ। तो तेल गरम हो चुका है, तो ये रहा सरसों, तो डाल देती हूँ, और ये रहा, और ये रहा लहसुन, तो इसे भी डाल देती हूँ। तो लहसुन तल चुका है दोस्तों, तो ये तोरई और दाल को डाल देती हूँ। तो सरसों तेल और लहसुन में ये तोरई दाल को मिला लेती हूँ दोस्तों, और लहसुन सरसों तेल में दाल और तोरई को घुलने मिलने देती हूँ, तो थोड़ा सा पकने देती हूँ। तो तोरई दाल की सब्जी मेरा पक कर तैयार है। तो माँ के लिए मैं खाना निकाल ली हूँ दोस्तों, गर्मा गर्म भात और तोरई दाल की सब्जी। तो दोस्तों मैं तोरई दाल की सब्जी बनाई हूँ, सिंपल बनाई हूँ, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो काफी समय हो गया है दोस्तों, तो मैं माँ को दे देती हूँ खाने के लिए। कैसे लगे? बढ़िया लगा थे मीठा। तो मेरी माँ कह रही है बढ़िया लगा थे मीठा थे, हमारे छत्तीसगढ़ी शब्द में दोस्तों। हम लोग कुछ भी चीज को जैसे कि अच्छा लगता है, बढ़िया लग रहा है, तो बढ़िया लागा थे और मीठा थी, मीठा थे कि मतलब हाँ मीठा रहा है, ऐसा होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा ये कमेंट भी करें। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।